Yes. So now we are going to discuss the capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is kept in between. Right? ये कोई भी dielectric slab है. It could be paper, it could be mica, it could be glass, कुछ भी dielectric slab. जब हम normal capacitor की बात करते हैं, ये दो plates हैं capacitor की. This is positively charged, negatively charged. और बीच में हमने बोला air आ गई. So ये distance d और this is the direction of electric field in between. Right? So when we take air in between, air की जब हम बात करें तो air इस length से हमने कहा ये है A और ये है B. तो air कहाँ होती है? A से B के बीच में होती है, up to the distance of D. Air in between the capacitor, which is a dielectric, is from plate A to plate B. Because D distance में होगी तभी तो हम electric field same ले सकते हैं. We know that V is equal to E into D. ये V E पे डिपेंड करता है और E कांस्टेंट कब होगा? जब ये पूरे में एयर है, यहां पे सारे में एयर है. एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम. पूरे में अगर D डिस्टेंस में एयर है तो हम E कांस्टेंट लेंगे, और जब E कांस्टेंट लेंगे, यहां भी E सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, तब हम V का वैल्यू सेम ले सकते हैं. राइट? अभी हमने क्या किया, हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया लेकिन वो पूरे गैप में नहीं है. द डायलेक्ट्रिक स्लैब इज हैविंग थिकनेस डी, मतलब यहां पे एयर है, यहां पे एयर है, यहां पे कुछ और डायलेक्ट्रिक है. राइट? सो वी कैन नॉट से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम व्हेन द डायलेक्ट्रिक इज फिल्ड इन द होल गैप. पूरे डी डिस्टेंस तक डायलेक्ट्रिक फील्ड है, देन वी कैन टेक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट. लेकिन यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और यहां का अलग हो, क्योंकि यहां पे एयर है और यहां पे जो भी हमने डायलेक्ट्रिक लिया है, से पेपर लिया है, ग्लास लिया है, कुछ भी लिया है, सो उसका थिकनेस डिसाइड करेगा कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, एंड टी इज नॉट इक्वल टू डी. टी इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी, और डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द प्लेट्स. राइट? सो वी विल डिस्कस दैट. Before discussing that, we'll quickly remind कि dielectric constant क्या होता है. Dielectric constant in terms of electric field is E naught upon electric field in medium. Right? We have studied dielectric constant F naught upon Fm, E naught upon Em, epsilon upon epsilon naught and C upon C naught. That is what we have studied. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के फोर डेफिनेशन होते हैं. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की टर्म्स में ले रहे हैं तो एयर वाला कॉम्पोनेंट ऊपर आएगा, मीडियम वाला कॉम्पोनेंट नीचे आएगा. अगर हम एप्सिलॉन नॉट या कैपेसिटेंस की टर्म्स में ले रहे हैं सो मीडियम वाला टर्म ऊपर आएगा एंड एयर या वैक्यूम वाला टर्म नीचे आएगा. दैट इज वॉट वी हैव लर्न. राइट? सो द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई नॉट अपॉन ई एम. सो कैन वी राइट electric field in a medium is E naught upon K. Can we write it? किसी भी medium का electric field कितना reduce हो जाता है? 1 upon K times reduce हो जाता है. Electric field of the medium is electric field in air divided by K. K times reduce हो गया. जितना आप K का value greater लेंगे उतना ही electric field क्या हो जाएगा? Reduce हो जाएगा. That much electric field will be reduced. Right? So this we have to remember. We know that the expression for capacitance is Q upon V, but this expression is valid when V is constant. V constant kab hoga? Jab V is equals to E into D. V will be constant when E and D are same, but here E and D are not same. So rather than writing this, we will write this is equal to, rather than writing this here, V due to air plus V due to medium. Can we write this? V due to air plus epsilon upon epsilon naught. Yes, that is right here. Epsilon means epsilon of medium here, right? So C will be Q upon V air के वजह से, जो यहां पे V develop होगा, और V due to the medium, right? So we can write this in the form C
सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी ड्यू टू एयर विल बी ई इंटू डी. सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा यहां पे ई नॉट, और यहां पे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड. सो कैन वी राइट दिस एज ई नॉट इंटू डी माइनस टी. ये ई नॉट कितने डिस्टेंस तक है, डी डिस्टेंस तक है? नो, इट इज इन द डिस्टेंस डी माइनस टी. टी को हटा दो, यहां पे एयर है, यहां पे एयर है. सो वी हैव टू राइट ई इंटू डी की जगह हम क्या लिखेंगे, ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर इंटू डी माइनस टी. दिस इज द डिस्टेंस अप टू विच दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट प्लस नाउ इनसाइड इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्लास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कितने डिस्टेंस में है ये, इंटू टी. इज दैट क्लियर? दिस विल बी ई इंटू टी, राइट? सो वी कैन राइट दिस एज द सर्फेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू ए, राइट? सो वी कैन राइट दिस एज क्यू अपॉन E naught D minus T plus what is E? E is what is E? E naught upon K. E naught upon K times into T. Clear children? So C can be written as Q upon, in dono mein se E naught common le liya, what remains? D minus T plus T upon K. Right? Now Q can be written as sigma into A upon E naught. What is E naught? We know that E is equals to sigma upon epsilon naught. Is it? For a parallel plate capacitor. So E naught can be written as sigma upon epsilon naught into D minus, because bracket ये minus है ये plus है, तो हम इसको simply लिख सकते हैं D minus T plus T upon K. Right? Sigma get cancelled out. What is C? C is epsilon naught A upon D minus T plus T by K. Is that clear? Yes, children. Now the standard expression of capacitance. What is the standard expression? Standard expression is C is epsilon naught A upon D. Parallel plate capacitor के लिए ये expression होता है, right? अभी D की टर्म्स में हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे. इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, D की टर्म्स में हमें लिखना है D माइनस, इन दोनों में से T कॉमन ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाय K. इस फॉर्म में हमने इसलिए लिखा है कि हम इजीली इसको कंपेयर कर सकें, राइट? अभी देखो C का वैल्यू क्या है, जब एयर था C नॉट बोल दो इसको, C का वैल्यू क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. अभी C का वैल्यू कितना हो गया, C डैश बोल दो इसको, विद डायलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन. तो C डैश का वैल्यू क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस समथिंग, वट एवर इज दैट, वेन एवर द डिनोमिनेटर पार्ट माइनस हो रहा है कुछ ना कुछ, तो डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, इट मीन्स C डैश इज इंक्रीजिंग. कैन वी राइट C डैश इज ग्रेटर देन C नॉट, दिस इज द रिजल्ट. So whenever we are putting any dielectric slab in between, the capacitance of the parallel plate capacitor will increase. That is the result of your derivation, right? Abhi we can write C dash is epsilon naught A upon D minus T 1 plus 1 by K. So we can also write, और हमने एक और चीज यहां से सीखी थी, K इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट. सो वॉट इज सी एम? सी एम विल बी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. लेकिन ये कब वैलिड है, ये तब वैलिड है जब पूरा डायलेक्ट्रिक कितने लेंथ में हो, फिल्ड हो, D स्पेस में फिल्ड हो, देन वी कैन राइट डायलेक्ट्रिक. अगर हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब ये ना लेके पूरा एयर लिया है या कोई और मीडियम लिया, तो ये K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा. लेकिन अगर उस डायलेक्ट्रिक स्लैब का कुछ थिकनेस है और वो थिकनेस पूरे स्पेस में फिलअप नहीं हो रहा, देन वी हैव टू राइट इट डी माइनस टी प्लस टी बाय वन बाय के. सपोज
यू हैव टेकन द डायलेक्ट्रिक अप टू द लेंथ डी, दैट इज टी इज इक्वल्स टू डी, टी इज इक्वल्स टू डी रख दो यहां पे, टी इज इक्वल्स टू डी मीन्स दिस इज, यस टी इज इक्वल्स टू डी मीन्स दिस इज डी माइनस डी दैट बिकम जीरो डी बाय के, ये तो जीरो हो गया, वेन दिस इज जीरो डी माइनस डी, टी इज इक्वल टू डी, सो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, यहां पे क्या बचा डी अपॉन के ऊपर चला जाएगा, फिर से हमें क्या मिल गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इज दैट क्लियर। सपोज वी हैव फिल्ड द गैप विद अ मेटल, अभी मेटल का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज वेरी वेरी हाई, मेटल का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इन्फिनिटी, सो हमने एक यहाँ पे मेटल डाल दिया बीच में जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है मेटल्स का इन्फिनिटी होता है, तो अभी सॉल्व करके देखो जरा, सो वन अपॉन के इज वॉट वन अपॉन इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी मीन्स ये पूरा टर्म जीरो हो गया, वन प्लस दिस जीरो इज वन, तो क्या आया डी माइनस टी, सो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी विल बी द एक्सप्रेशन फॉर एनी मेटल इन बिटवीन, सो अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग द रिजल्ट, सो द कंक्लूजन इज वेन एवर यू आर पुटिंग एनी डायलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीज, बट वॉट विल रिड्यूस इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस मीन्स पोटेंशियल विल रिड्यूस, एंड वेन यू नो दैट पोटेंशियल रिड्यूस हुआ तो कैपेसिटेंस इंक्रीज ही होने वाला है, सो वट इज द इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑन एनी कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस वैल्यू विल इंक्रीज, वेदर इट इज मेटल वेदर इट इज डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक फील्ड कम्प्लीटली और डायलेक्ट्रिक विद टी, कभी भी कुछ भी हम प्लेट्स के बीच में डालेंगे तो उसका कैपेसिटेंस इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।